जय श्री राम। शत्रुघ्न द्वारा मथुरा के उस अत्याचारी शासक का वध हुआ और वहां शत्रुघ्न की छाया में राम राज्य की स्थापना हुई। मथुरा का राज सिंहासन संभाल लेने पर महर्षि च्यवन ने संपूर्ण मंत्रिमंडल और प्रजाजनों की तरफ से महाराज शत्रुघ्न का स्वागत करते हुए कहा, आज सारी प्रजा को अभयदान मिल गया है, अब सबको अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता होगी। समस्त वर्णों, जातियों, नागरिकों, वन में रहने वाले पशु पक्षियों और वहां की वनस्पतियों की रक्षा का उत्तरदायित्व हम आपको सौंपते हैं। यहां महर्षि च्यवन ने नागरिकों के साथ ही पेड़ पौधों, वनस्पतियों की सुरक्षा का आग्रह किया है, जिससे यह समझ में आता है कि पेड़ पौधे और वनस्पतियां हमारे जीवन के लिए तब भी बहुत उपयोगी थे और आज भी उतने ही उपयोगी हैं। वनों, जंगलों और उपयोगी वनस्पतियों की उपेक्षा समाज के लिए हानिकारक होती है, सदा हानिकारक होती है। इधर आश्रम में महर्षि वाल्मीकि ज्योतिष विद्या से लव कुश का पूरा जीवन वहीं बैठे बैठे देखते हैं, जो गंभीरता से जानने, समझने और मान लेने वाली बात है कि ज्योतिष विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव समाज के लिए। और सौभाग्य से हम भारतीयों को ये महाविद्या ऋषियों मुनियों द्वारा विरासत में मिली हुई है। हमें इस ज्योतिष विद्या का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। एक दिन राम जी को यह समाचार मिलता है कि अगस्त्य मुनि ने 12 साल जल में समाधिस्थ रहकर तपस्या की है, जो अब पूरी हुई है। ऐसी तपस्या, ऐसी समाधि केवल योग के द्वारा ही संभव थी। राम जी स्वयं उनके दर्शन को जाते हैं। यहां योग का प्रभाव देखने समझने लायक। अगर कोई योग द्वारा साधना कर ले तो वो असंभव लगने वाले भी बहुत सारे कार्य कर सकता है। आज हम काफी हद तक अपनी इन सनातन उपलब्धियों को भूल रहे हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो योग हो। ये विद्या, ये महत्वपूर्ण ज्ञान हमेशा इंसान के काम आया है, भले ही वो कोई भी युग रहा हो, और आज भी इसकी महत्ता किसी से छिपी नहीं है। यदि हम ध्यान दें तो आज के एपिसोड में हमें तीन सीख मिलती है। तीन बातें जो हमने सुनी वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तभी भी थी और आज भी है। पहली बात है कि वनस्पतियों का और वनों का ध्यान रखना, उनका संरक्षण करना, यानी अपने एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना। दूसरी बात है ज्योतिष। ज्योतिष अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज कुछ लोभी व्यक्तियों द्वारा इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने फायदे के लिए वो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी बात है योग की। योग के बारे में जागरूकता आज हमारे देश में तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन वो जो जागरूकता बढ़ी है वो शारीरिक व्यायाम के रूप में बढ़ी है। योग का वो भी एक हिस्सा है, पर योग अपने आप में एक शारीरिक होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जय श्री राम।